नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनवीजे में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं एमआईओ के सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और कभी कभी टेक्नोलॉजी पर भी वीडियो अपलोड करता हूँ। पर आज की वीडियो कुछ अलग होगी। आज से मैं कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज कभी कभी मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो सिर्फ कंप्यूटर से ही ठीक होती है, फ़ोन से नहीं ठीक होती। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है। मतलब आपको पता कैसे लगता है? जब आपका मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन में होता है और कॉपी और पेस्ट आप नहीं कर सकते, तो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है। वैसे मेमोरी कार्ड चल रहा होता है, पर आपको अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपका मेमोरी कार्ड किस काम का? तो उस बेस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज, ताकि आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बता सकूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो, आज जैसे मैं आपको बात कर रहा था, मेमोरी कार्ड के सलूशन बताऊँगा कैसे ठीक कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रोसेस है, आपको जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊँगा आपको वैसे वैसे करना है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, वीडियो को मिस मत करें, बिकॉज छोटा सा यह प्रोसेस है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपका काम नहीं बनेगा। आप पहले लोकल डिस्क नोट कर लीजिए, और जो आपने मेमोरी कार्ड इनपुट किया था उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो दिया गया है स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करना है। अब वहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एसेसरीज पर क्लिक कर देना। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट्स पर राइट क्लिक करके वहाँ उसका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स आएगा। आप मेरे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए टाइम लगा रहा है। तो आपको पहले चेक करना है आपकी लोकल डिस्क कौन सी है, नोट कर लीजिए, क्योंकि उस लोकल डिस्क को ही आपने फॉरवर्ड और रिकवर करना है। आप देख सकते हो मेरी लोकल डिस्क क्यू है, तो यहाँ पर मैं क्यू ही टाइप करूँगा। तो पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखना पड़ेगा, चेक डिस्क। उसकी स्पेलिंग आपको मैं बताता हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा भी CHKDSK। स्पेस कर दीजिए स्पेस। उसके बाद आपकी लोकल डिस्क जो क्या हुआ, मेरी क्या हुआ, आपका की और होगी, तो क्या लिखिए, दो रेशो लगा दीजिए, स्पेस और स्लैश लगा दीजिए, और आर लिख दीजिए। आर लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी प्रोसेस होगा, और कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर वाई टाइप करना है। वाई टाइप करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा प्रोसेस फिर से होगा, और आपको रिजल्ट वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से लिखना है, चेक डिस्क स्पेस आपकी लोकल डिस्क का नाम, जैसे मेरा क्यू, फिर दो रेशो, उसके बाद स्पेस, उसके बाद स्लैश, और अब आपको टाइप करना है एफ। एफ का मतलब फॉर्मेट, पहले रिकवर किया था और अब फॉर्मेट करना है आपको। यहाँ पर एफ लिखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद छोटा सा प्रोसेस फिर से होगा, आप ध्यान रखिए ऊपर लोकल डिस्क पर वो ब्लिंक होगी। यहाँ पर वाई टाइप करना है, वो ब्लिंक होगी मतलब ठीक होगी। तो वाई टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए, और देख सकते हो छोटी सी ब्लिंक हुई थी, मतलब वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो चुकी है। अब आप अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड इनपुट कर कीजिए और चेक कीजिए कि आपका कॉपी और पेस्ट जो आप नॉर्मली करते हो वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो आपका मेमोरी कार्ड ठीक हो चुका है। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू।